आज का ये टॉपिक आपके लिए तो महत्वपूर्ण है, सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस के एग्जामों के लिए। लेकिन खासकर किसान वर्ग से अगर कोई बच्चा आता है और उसके परिवार के लिए भी काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। और आप जो भी विधि बताई जाएंगी, इसमें जो भी उपाय बताऊंगा, अगर आप अपनी फसल पर लागू करते हैं तो काफी हद तक आपको मदद भी मिलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण पूरे विश्व में बेहतर स्वास्थ्य व सुरक्षित भोजन की मांग में वृद्धि हुई है, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। भारत जैविक कृषकों की संख्या के मामले में प्रथम और जैविक कृषि क्षेत्रफल के मामले में 9वें स्थान पर है। आप लोगों ने अगर एमपीपीएससी का पेपर दिया हो तो कुछ समय पहले उसमें पूछा भी गया था कि जैविक कृषि अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो आप जानते थे, सिक्किम। सिक्किम पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्य भी इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि आखिर जैविक कृषि कौन क्या होती है, तो इस पर पहली बात हम लोग बाद में करेंगे। एक बार मैप्स में आपको सिक्किम का मैप बता देता हूं, मैप्स में कहाँ है सिक्किम। देखिए, ये आपका सिक्किम, सिक्किम ठीक है। इसकी सीमा नेपाल से भी लगती है आपकी, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा किससे लगती है, आपकी पाकिस्तान से भी लग सॉरी पाकिस्तान से नहीं, चाइना से भी लगती है, और यहाँ आपकी भूटान से भी लगती है, ठीक है, याद रखिए। जैविक कृषि यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों का अनुपयोग या फिर न्यूनतम प्रयोगों का प्रयोग किया जाता है, और जिसमें भूमि की उर्वरता शक्ति को बचाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद और कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। सीधा सा कहने का मतलब क्या है इसमें, कि जो आप लोग दवाई लेते हो ना, कि खाद लेते हो आप लोग, इस तरह का जो बना बनाया आता है फैक्ट्रियों में, उसकी बात नहीं की जा रही, उसका कम ही आपको प्रयोग करना है। लेकिन आप देखते हैं आपके यहाँ जो भी गाय या आपके पास भैंस, इस तरह के जो भी पशु होते हैं, उनका जो गोबर होता है, यानी कि जो उससे खाद बनाने की बात की जा रही है, आप देखते हैं कि आपकी जब फसल काट दी जाती है तो उसके ठूंठे रहते हैं, तो उसे आप लोग केंचुओं से क्या कर सकते हैं, इसे हरी खाद में भी बदल सकते हैं, कंपोस्ट। इसी तरह के आपका जो भी हरी कोई भी आपकी फसल निकल रही है, उसके जो भी पत्ते हैं, उसके द्वारा इस तरह के आप खाद बना सकते हैं। और आपने देखा होगा कि गोबर वाले खाद की कितने प्रॉफिट होते हैं, कभी आपने खेतों में डालते भी अक्सर गांव की तरफ, तो एक तरह से उसी पर पूरी तरह निर्भर हो। जो आप देखते हैं कि संश्लेषित कीटनाशक हैं या फिर उर्वरक हैं, उनका प्रयोग कम ही किया जाए, तो उसे हम लोग जैविक कृषि कह देते हैं। जैविक कृषि में मिट्टी, पानी, रोगाणुओं और अपशिष्ट उत्पादों, वानिकी और कृषि जैसी प्राकृतिक तत्वों का एकीकरण भी शामिल रहता है। अब आप लोग कहेंगे कि जैविक कृषि का उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट क्या रहेगा, किस लिए करें हम लोग, तो यह कृषि आधारित उद्योगों के लिए भोजन और फीड स्टॉक की बढ़ती आवश्यकता के कारण प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए आदर्श पद्धति है। यह सतत विकास लक्ष्य 2 के 2 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य है भूख को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और बेहतर पोषण और कृषि को बढ़ावा देना। याद रखिए, जो आपके 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, इन्हें आप लोग रट लीजिए, मैं तो कहता हूं, क्योंकि आप देखेंगे कि मैं आंसर राइटिंग में भी डालने के लिए, निबंध लिखने के लिए आता है, तो उसमें भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप एक बेहतर तरीके से आपका क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी बनते रहते हैं, तो उसमें भी आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। एक बात और याद रखिए, क्या बात याद रखना है, आप लोग जब भी कोई, आप देखते हैं कि आजकल आपने देखा है कि लौकी आती है, जिसे आप बुंदेलखंड में गड़ेलू कहते हैं, क्या गड़ेलू, आपने देखा होगा कि उसमें एक इंजेक्शन लगा देते हैं तो वो एक दिन में बड़ी हो जाती है और बिकने के लायक हो जाती है। आजकल आपने देखा है कि भैंसों में, आपने देखा है भैंस गाय इस तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं अधिक दूध देने के लिए, तो आप देखिए, मुझे नहीं लगता है कि वो फायदेमंद रहेगा, क्योंकि स्थिति उसकी देख सकते हैं आप लोग, वो कभी फायदा नहीं पहुंचाएगा हमें। उस लौकी को हम लोग खाएंगे जो इंजेक्शन से बनी हुई है, इंजेक्शन के कारण बड़ी हुई है, तो उस पर हमें नुकसान ही होगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इसका जैविक कृषि का मतलब होता है कि इससे अच्छा आपको पोषण और कृषि भी मिलती है। अभी कुछ ही देर पहले किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था मैं,
कि वो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग बात करते हैं। हकीकत है यही, बोले कोई शुद्ध घी खा ही नहीं रहा है, जो घी आता है मक्खन आता है, बोले शुद्ध कोई खा ही नहीं रहा है। बोलिए आप सोचिए कि अगर 10 लीटर में 1 किलो घी निकल रहा है आपका, तो कितने का होगा? बोले नहीं निकलता है। 10 लीटर में भी आपका बोले कि वो बहुत से बहुत पावर निकलेगा आजकल की गायों में या जो भी आपकी भैंस है, तो बोले कम से कम 50 का बिक रहा है अगर दूध, तो बोले कितने, 500 रुपये का हो गया। और पावर घी कितने का होगा अगर वो बेचेगा वैसे भी, तो कितने का बेचेगा? बहुत से बहुत आपका 500-600 रुपये का मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? 600 रुपये किलो होगा, तो उस पाव में आप समझ सकते हैं कि वही आपका 150 रुपये मान लीजिए। समझिए आप लोग कि वो 500 रुपये का घाटा नहीं करेगा, तो उसे बेहतर रहता है कि 500 रुपये में दूध बेच दे। तो कहते हैं कि मिला देता है या कोई बनावट रहता है इस तरह का, तो आप समझ सकते हैं बना बनाया घी आता है, आप बता भी नहीं सकते उसमें कि इसमें क्या फर्क है। तो कहते हैं कि शुद्ध घी खाया ही नहीं जा रहा है। और अगर आपके घर में है सुविधा, पशु है आपके घर में, तो आप ही मुझे लगता है बेहतर खा रहे हैं। भारत में जैविक कृषि की संभावना की बात करें तो उत्तर पूर्व भारत पारंपरिक रूप से जैविक कृषि के अनुकूल रहा है, और यहाँ रसायनों की खपत देश की बाकी हिस्सों की तुलना में बहुत कम है। वर्तमान समय सरकार द्वारा जनजातीय और द्वीपीय क्षेत्रों में भी कृषि के जैविक तरीकों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा है। भारत वैश्विक जैविक बाजारों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है। भारत में प्रमुख जैविक निर्यातों में सनबीज, तिल, सोयाबीन, चाय, औषधीय पौधे और चावल और दालें रहे हैं। वर्ष 2018-19 में विगत वर्ष की तुलना में 50% की वृद्धि के साथ जैविक निर्यात लगभग 5,151 करोड़ रुपये रहा है। सरकार की तरफ से पहल की बात करें तो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चैन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चैन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत एक उप मिशन है। इसी वर्ष 2015 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा राज्यों में प्रारंभ किया गया था। यह योजना जैविक उत्पादन का प्रमाण प्रदान करने, ग्राहकों में उत्पाद के प्रति विश्वास पैदा करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना को वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया था, जो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन की उप मिशन मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का एक प्रमुख घटक है। पी के भी बाई के तहत यानी कि परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक कृषि में क्लस्टर दृष्टिकोण और भागीदारी गारंटी प्रणाली के प्रमाणन के माध्यम से जैविक ग्रामों के विकास को बढ़ावा दिया जाता है। भागीदारी गारंटी प्रणाली और जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत प्रमाणन को बढ़ावा दे रही है। फिर आप सुनते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विशेष उत्पादों की अधिक दृश्यता बिक्री को प्रोत्साहन करना, ताकि जिला स्तर पर रोजगार पैदा हो सके। एक जिला एक उत्पाद योजना ने छोटे और सीमांत किसानों को जैविक कृषि के बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में मदद भी की है। फिर आपका जैविक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैविक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपका जैविक खेती .in को सीधे खुदरा विक्रेताओं के साथ साथ थोक खरीदारों के साथ जैविक किसानों को जोड़ने की दिशा में कार्य कर रहा है। लास्ट में आप कह सकते हैं कि भारत में प्राकृतिक खेती को कोई नई अवधारणा नहीं है, अतः आप अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में उत्पादकों की अधिक जागरूकता क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने से भारतीय जैविक किसान जल्द ही वैश्विक कृषि व्यापार में प्रमुख भूमिका निभाने में सक्षम होंगे। अब आप देखिए, एक तरह आप देखिए बुंदेलखंड में कभी आप लोगों ने देखा हो, या आप देखिए कि बघेलखंड में आप लोग देखिए, यहाँ के किसानों की हालत देखिए और पंजाब के किसानों की हालत आप लोग देखिए, जमीन आसमान का आपको फर्क दिखाई देगा। अगर वहां का किसान, पंजाब का किसान फॉर्चूनर से चलता है, अपने बच्चों को VIP स्कूलों में पढ़ाता है और वो मेहनत भी ज्यादा करते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है कि आपने फसल बो दी, अब हुई अच्छी तो ठीक है, भगवान के ऊपर भरोसे छोड़ दी, उसमें हम लोग ज्यादा मेहनत कुछ नहीं कर रहे हैं। आपकी जब आपने देखा होगा गेहूं कटता है तो देखते हैं ठूंठे बच जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आग लगा देते हैं।
देखिए, आग लगाने से नुकसान होता है, क्योंकि आप देखेंगे ठूंठे आग लगाएंगे, जो उसमें आप देखेंगे केंचुए या कोई भी जीव होगा जो आपकी मृदा को यानी कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए काम करता है, वो खत्म हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, आपकी उत्पादकता खत्म हो जाएगी। आप जो भी फसल करेंगे वो ना के बराबर होगी। देखिए, होगी मतलब जितनी आपकी हो रही है वो एक तरह से आप कहिए कि अगर उससे कई गुना अधिक होती, अगर आप उसे क्या करते, उसे उसी में सड़ाने के लिए छोड़ देते। अब लोग कहेंगे कि इतना टाइम नहीं है, तो आपने देखा है कई मशीनें आने चुकी हैं, जैसे ही आप फसल काटते हैं, गेहूं काटा आपने, तुरंत उस मशीन को चला दीजिए, वो भूसा टाइप का बना के उसी मिट्टी में मिला देगा। अब पहली बरसात होगी आपकी तो क्या होगा, पहली बरसात होगी तो आप देखेंगे वो खाद बनने लगेगा, सड़ने लगेगा, और सड़ने का मतलब है कि गोबर जैसा खाद बन जाएगा। तो क्या होगा, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो फायदा ही देगा फसल को। लेकिन हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, जला देते हैं। जलाने से वायु प्रदूषण तो फैलता ही है, साथ में हमारी जो भी खेत है उसे भी नुकसान होता है, हमारी मिट्टी को भी नुकसान होता है। तो ये हाल है, इसीलिए आप बुंदेलखंड में अधिकतर किसानों को देखिए, यही हालत है, पंजाब को किसानों को। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और है कि ठीक है, आप अगर देखा होगा आपने कि अगर खेती आपके पास एक खेत है तो उसमें आप देखें कि 4 से 5 भाई अगर आपके घर में, तो उसी पर लगे हुए हैं सब, ऐसा भी तो कर सकते हैं। चलिए देखिए, मुझे नहीं लगता है कि समाज को क्या सोचता है उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, कभी नहीं। आप मुर्गी पालन भी तो करवा सकते हैं, भैंस पालन करवाइए, गाय रख लीजिए, आप इस तरह के कुछ मतलब साथ में लेकर तो चल सकते हैं। अभी आप लोगों को बताया था मैंने, एक लड़के ऐसे लड़के को जानता हूं जो सुअर पालन करवाता है और मुर्गी पालन करवाता है। अब कई लोग उसके समाज में भी, इस तरह की वो पंडित है, उसके समाज में भी जब उसने सुअर पालन करवाया तो लोगों ने तरह तरह के ताने दिए। आज उसकी इनकम का आपको पता होना चाहिए, सुअर और मुर्गी पालन का 1 से 1.5 लाख रुपए का उसका बराबर बजट आता है महीने का, निखर चा आज सबके मुंह बंद है। तो ये समाज है, याद रखिए, अगर भूख से मर रहे होंगे तब आप लोगों को रोटी कोई नहीं दे रहा होगा, जब आप मेहनत कर रहे होंगे तब आपसे कहेगा कि वो देखिए वो ऐसा कर रहा है। एक वो कहावत आपने सुनी होगी कि एक बीवी और पति पत्नी जा रहे थे और एक गधा लिए हुए थे, तो दोनों पैदल जा रहे थे, तो रास्ते में कहा कि देखिए कितने बड़े बेवकूफ हैं, दोनों पैदल जा रहे हैं, जब पत्नी पति बैठ गया गधे पर, पत्नी जा रही है, तो बोले कि कितना खराब है, देखिए पत्नी को चला रहा है नीचे और पति ऊपर बैठा हुआ है गधे पर। फिर पत्नी को उसने बैठा दिया तो कह दिया कि उसने कि वो देखिए पत्नी का गुलाम है, फिर उसने वो भी उतर गए। तो आप समझिए, बुराई हर जगह होती है। मुझे तो लगता है कि देखिए आज की इस दुनिया में भगवान से डरिए, मैं नहीं कहता भगवान से मत डरिए, भगवान की नजरों में आप सब बराबर हैं, लेकिन नीचे वाले जो लोग हैं इनकी नजरों में आप पैसे वाले हैं। आपका तभी सपोर्ट करेंगे आप जब ताकतवर होंगे, इस बात को हकीकत मान लीजिए। कितनी भी दोस्ती हो, कितना अच्छा भी तुम्हारा रिलेशन हो, कभी काम नहीं देगा जब तक कि आप मजबूत नहीं। ये इस समाज की हकीकत बन चुकी है। अभी आपके पास फोन नहीं आएगा, आप किसी से 2 रुपए मांगो भी तो भी मना कर देगा, और कल आप सफल हो जाइए उसके बाद आप मदद भी नहीं मांगे तब भी आपके पीछे 1000 लोग खड़े रहेंगे। एक वो मैंने हमेशा बोला है ना आप लोगों से कि लोग कहते हैं कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला भी तो चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि दुनिया तलवे चाटती है, चटवाने वाला भी तो चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग। आपके पास आप सबसे जो जाइए, कल 1000 चाटने वाले तलवे मिल जाएंगे आपको, और आज अगर आप फोन लगा दीजिए तो आपका फोन नहीं भी नहीं उठाएंगे। एक तरह से हकीकत है समाज की। तो शर्म नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है जो भी काम कभी छोटा मोटा नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि हम इस क्षेत्र में बेहतर काम कर सकते हैं, करिए, किस काम में नहीं, हम मुर्गी पालन करवाइए, भेड़ पालन, जो भी आपको अच्छा लगे बेहतर तरीके से, इसमें आपका क्या कर सकते हैं कि कम खर्च भी है, अब बैंक से आप लोन भी ले सकते हैं आराम से और आराम से अपना काम चला सकते हैं। और इतना याद रखिए कि नौकरी वाले भी इतना पैसा नहीं पा रहे हैं जितने इस तरह के काम करने वाले पा रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और इस समाज का सब मोह बंद हो जाता है जब आपके पास पैसा आने लगता है। देखिए आपने भी तो देखा होगा कि अगर इज्जत सम्मान की बात कहाँ होती है, गरीबों में,
बड़े जो भी बड़े घराने हैं देखे देखा होगा आपने, कभी उन पर उंगली नहीं उठती है क्योंकि वो ताकतवर हैं। उंगली हमेशा उठाई जाती है गरीब पर, कुचले पर, जो कुछ नहीं कर सकता है, मालूम है। आज आप पुलिस वालों को भी देखिए, कई ऐसे लोगों को देखिए जो ठेले वालों को मैं देखता हूँ कि ठेलों वालों पर भड़ास निकालेंगे, रिक्शे वालों पर जो बेचारे दिन का कमाते हैं जिंदगी जी रहे हैं उन पर आप लोग भड़ास निकालेंगे। अभी किसी नेता पर भड़ास निकालिए, वो आपको सस्पेंड करवा देगा या तो ट्रांसफर करवा देगा। उसके आप पैर छूते हैं, उस बेचारे गरीब के आप उसे तरसाते, मतलब एक तरह से इतना क्यूरता, मतलब दुष्ट टाइप के दिखाते हैं दुष्टता। तो ये हाल है, बाकी छोड़िए आप लोग, ठीक है, पढ़ते रहिए अच्छे से, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनते रहते हैं तो आप लोग याद रखिए।